नई अपडेट्स की बात करें तो नई बजाज पल्सर N250 में एक ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL की सुविधा मिलती है। इसमें नए ग्राफिक्स के साथ लाल और सफेद रंग का विकल्प भी पेश किया गया है। इसके अलावा बाइक में एक USB चार्जिंग पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। खास बात यह है कि नए अपडेट्स में ABS में नए राइड मोड भी मिलते हैं, जिसमें रेन, रोड और ABS को ऑन ऑफ करने के ऑप्शंस मिलते हैं। उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी ने आगे के सस्पेंशन में बदलाव किए हैं। लेटेस्ट बाइक में सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक यूनिट्स की जगह USD फोक्स दिए गए हैं, जबकि पीछे पहले के समान प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। अपडेटेड पल्सर N250 में 249cc एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 24.1 bhp की पावर और 21.5 nm की टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसे असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एक अपडेट की वजह से बाइक का वजन 2 किलो तक बढ़ा है। अब पल्सर N250 का कुल वजन 164 किलोग्राम हो गया है और इसकी कीमत 1.51 लाख रुपीज एक शोरूम है। फीचर्स में हुए बदलावों की बात करें तो 2024 बजाज पल्सर N250 को अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल कंसोल मिलता है, जिसे आप पल्सर N सीरीज की दूसरी बाइक्स में भी देख सकते हैं। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा ही है जैसा हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर N150 और पल्सर N160 में देखा गया, और इसमें मल्टीपल ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल टैकोमीटर समेत दूसरे फीचर्स शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से जुड़ने से कॉल और SMS अलर्ट, फोन बैटरी, सिग्नल स्ट्रेंथ स्टेटस और बाएं स्विच क्यू पर बटन का उपयोग करके कॉल रिसीव करने या कट करने का ऑप्शन भी मिलता है। पल्सर N250 की दूसरी विशेषताओं में एक बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।